कैसे हो आप लोग। और बहुत दिनों के बाद हम आ चुके हैं आपके लिए वीडियो लेकर के। और चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। और आज हम लोग जो है पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 34 का दूसरा पार्ट बी, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा दिया गया है, यहाँ पर भी आप लोगों को द का यूज करना है। साथ ही साथ चलिए देखते हैं किस तरह का ट्रांसलेशन आज हम लोगों को यहाँ पर इस एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो में पूरी बने रहिएगा और आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो पहला हमारा दिया गया है कि बच्चे ईमानदार होते हैं, ठीक है। तो इसे हम किस तरह से बनाएंगे, पहले इसे ध्यान से देखना है कि देखिए क्या कहा जा रहा है कि बच्चे ईमानदार होते हैं। कोई निश्चित नहीं है कि होते हैं, यहाँ पर होते हैं, बच्चे ईमानदार होते हैं, कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे चिल्ड्रेन सी, ठीक है, सी एच आई एल डी आर ई एन, ठीक है, चिल्ड्रेन आर ऑनेस्ट, ठीक है, एच ओ एन ई एस टी। देखिए यहाँ पर कितना सिंपल तरीका से हमने बनाया। आगे है कि बच्चे ईमानदार हैं, यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि बच्चे जितने भी हैं वो सभी ईमानदार हैं, यानी कि यहाँ पर निश्चित कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर द का यूज करेंगे, ठीक है। द चिल्ड्रेन आर ऑनेस्ट, ठीक है। इस तरह से हम चलिए आगे देखते हैं, आगे की गायें काली है, यहाँ पर भी निश्चितता है, यानी कि पूरा निश्चित है कि जो काले गायें हैं वो सभी काली हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द कॉज आर, और जो भी स्टूडेंट्स जो हैं या कोई भी अनजान आदमी हैं और बोल रहे हैं कि इस वीडियो में न्यू वाली जितनी भी वीडियो आई हैं उसमें अगर बोल रहे हैं कि गलत है कुछ भी, तो वो सरासर गलत है। कुछ भी यहाँ पर अब की बार कुछ भी मिस्टेक्स नहीं हुई है। तो आप लोग जिसे भी देखो कमेंट करते हुए, आप लोग ज़रूर उससे बता देना कि अब की बार आप लोग पहले अपना पढ़ लो फिर बाद में गलती बताना सर को, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं सर यहाँ पर गलत है, यहाँ पर गलत है, ये से भी कुछ भी नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैं भी देखते रहता हूँ कमेंट, आप लोगों के पढ़ता भी हूँ और देखते हो आप लोग भी। तो चलिए लिखेंगे द कॉज आर ब्लैक, बी एल एस सी के। इस तरह से आगे हैं कि गायें उपयोगी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी निश्चितता है, गायें हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे द कॉज आर यूजफुल, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर होते हैं भी है, होते हैं से मतलब नहीं है, अगर यहाँ पर सिंगुलर कॉमन नाउन है तो आप लोगों को द लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे कि कुत्ते वफादार हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, द डॉग डॉग्स, ठीक है, द डॉग्स आर फैथफुल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कि कुत्ते वफादार होते हैं फिर है, सॉरी यहाँ पर कुत्ते वफादार हैं, सॉरी, और यहाँ पर है कि कुत्ते वफादार होते हैं, सॉरी मिस्टेक सोच गई थी, कुत्ते वफादार होते हैं। यहाँ पर देखिए कुत्ते वफादार होते हैं, निश्चित नहीं है होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर देखिए होती है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक सोच गई है, सॉरी। और न्यू वीडियो में जितनी भी है मैं मिस्टेक बता वीडियो में ही बता देता हूँ, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं, यहाँ पर आप लोगों को जो है द का प्रयोग नहीं करना है। तो चलिए हम यहाँ पर द का प्रयोग नहीं लिखेंगे और लिखेंगे सीधा डॉग्स आर फैथफुल। चलिए आगे कि पानी गर्म है, तो आप लोग जानते हो कि मटेरियल नाउन में द नहीं लगता है, तो लिखेंगे वाटर और मटेरियल नाउन में वैसे भी नहीं लगता है, आप लोग जानते हो, तो सीधा लिख दीजिए वाटर इज हॉट। अब देखिए इस सिचुएशन में लग भी सकता है, अगर आपका मन है तो मत भी लगाइए और लगा भी सकते हैं, ठीक है। क्यों, देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि पानी गर्म है, है यहाँ पर पूरा श्योर है कि यह पानी क्या है, हमारे सामने जो पानी है वह गर्म है।
तो यहाँ पर पूरा श्योर है, निश्चितता का बोध है, चाहे वह कुछ भी हो, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, द लगाना है, तो यहाँ पर हम द लगा भी सकते हैं, लिखेंगे वाटर इज हॉट, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा आगे के पानी उपयोगी होता है, तो यहाँ पर सीधा लिखिए वाटर इज यूजफुल। यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि पानी उपयोगी होता है, तो कोई निश्चित नहीं है पानी उपयोगी होता है, अगर गंदा पानी है तो वह उपयोगी नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे की चाय गर्म है, तो यहाँ पर देखिए निश्चितता है, तो आप लोग लगा भी सकते हो, मैंने तो मत लगाइए क्योंकि अब बैटरी डाउन है, तो चलिए हम लगा भी देते हैं, द टी इज हॉट, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं, थोड़ा जल्दी हम खींचें आगे कि चाय गर्म होती है, यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे टी इज हॉट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सोना अच्छा नहीं होता, नहीं था, ठीक है, तो हम लिखेंगे द, क्योंकि निश्चितता है, यहाँ पर निश्चितता का बोध हो रहा है, लिखेंगे द गोल्ड इज नॉट गुड, सॉरी वाज नॉट गुड, ठीक है। आगे कि सोना कीमती होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे गोल्ड इज कॉस्टली, गोल्ड इज कॉस्टली, सॉरी COSTLY, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कि घोड़ा तेज था, ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं, निश्चितता का बोध हो रहा है, लिखेंगे द हॉर्स वाज इंटेलिजेंट। चलिए आगे की लड़का चालाक है, तो लिख सकते हैं द बॉय इज क्लेवर, ठीक है। आगे की घोड़े कमजोर हैं, तो लिखेंगे द हॉर्सेस आर वीक। चलिए आगे की शहद अच्छा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, द हनी इज गुड, ठीक है। आगे की कुर्सी नई है, तो लिख सकते हैं द चेयर इज न्यू। तो देख रहे हो आप लोग हम किस तरह से बना रहे हैं, उसी तरह से आप लोगों को भी बनाना है। घड़ी पुरानी थी, तो यहाँ पर भी द लगाएंगे, लिखेंगे द वाज ओल्ड। आप लोग वैसे समझ गए होंगे, हमें मालूम है, यहाँ पर लिखेंगे द पेंस आर गुड, ठीक है, देख लीजिए। चलिए हम आगे देखें, आगे हैं कि लड़के तैयार हैं, लिख सकते हैं द बॉयज आर रेडी, ठीक है। आगे कि आदमी ईमानदार था, लिखेंगे द मैन वाज ऑनेस्ट, ठीक है। आगे कि दूध अच्छा है, तो लिख सकते हैं द मिल्क इज गुड। चलिए आगे कि दूध उजला होता है, तो लिखेंगे मिल्क, क्योंकि यहाँ पर द नहीं लगाएंगे, निश्चितता का बोध नहीं है, लिखेंगे मिल्क इज वाइट। अब यहाँ पर देखिए मेटेरियल नाउन है और होता है, कोई निश्चितता का बोध हो रहा है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर तो निश्चितता का बोध हो रहा है, दूध उजला होता है, यह निश्चित है, तो हम यहाँ पर द का यूज कर देंगे। चलिए आगे कि किसान लोग मेहनती हैं, यहाँ पर हम लिख सकते द फार्मर्स आर लेबोरियस, ठीक है। चलिए नीचे है कि किसान मेहनती होते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फार्मर
ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, सही है, फार्मर इज लेबोरियस। ठीक है, मैं ये चेक कर रहा था कि यहाँ पर किसान लोग दिया गया है और यहाँ पर किसान ओनली है, तो यही मैं चेक कर रहा था, सब कुछ सही है। और यहाँ पर हमने जो लिखा किसान इज लेबोरियस, सही है। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा? और हमने इसे दो पार्ट में इसलिए बनाया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, देख रहे हो आप लोग 10 मिनट का वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा का हो चुका है। तो आप लोग अगली वीडियो में ज़रूर मिलिएगा, और इसी तरह से कुछ कुछ दिनों पर वीडियो आएगी, क्योंकि जो है थोड़ा इधर मुझे जो है बहुत अर्जेंटली काम है, बहुत ही मेहनत भरा काम है। ठीक है, और बताएंगे आप लोगों को कभी भी। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।